हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सृष्टि क्रिएशंस। तो आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्यूट सा ब्रेसलेट। तो ये इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये सिर्फ एक ही चीज़ से बनती है और वो चीज़ हर किसी के घर में अवेलेबल होती है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ब्रेसलेट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्विंग थ्रेड्स का यूज़ कर रही हूँ, मतलब कि जो हम धागा सिलाई में यूज़ करते हैं मैं उसी धागे का यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 रंग के धागे लिए हैं। हर एक धागे को लगभग 75 सेंटीमीटर हर एक धागा है, जो कि 9 फोल्ड्स हैं उसमें। तो यहाँ पे 4 कलर के धागे मैंने लिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक मोटे पेपर पे एक सर्कल बना लिया है, फिर ये क्रॉस करके यहाँ पे सेंटर मार्क ले लिया है। उसके बाद अब हम इसको कट करेंगे। तो मैंने इसे कट कर लिया है, हम इसके सेंटर में एक होल कर लेंगे। होल करने के बाद अब हम यहाँ के साइड पे जितने भी लाइंस हमने बनाई है वहाँ पे ऐसे कट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम एक धागे को सिंगल रखेंगे और बाकी के जो 3 कलर के धागे लिए थे मैंने उसको हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे ऐसे। इसको थोड़ा लंबा रखेंगे। अब हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। यहाँ पे मैंने ये नॉट लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से इसको पास कराएंगे। इसको पास कराने के बाद हम हर एक धागे को हर एक कट में लगाते जाएंगे। ये ऐसे मैंने लगा लिया है, एक कट खाली है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो खाली वाला कट है उससे 2 धागे को छोड़ के तीसरे वाले धागे को हम क्रॉस करके इसमें ले आएंगे। ये 2 धागे को छोड़ के तीसरा वाला क्रॉस करके ये वाले कट में हम ले आएंगे। सेम यही प्रोसेस हम इधर करेंगे। अब ये वाला कट खाली हो गया तो हम ये 2 धागे को छोड़ के तीसरे वाले धागे को ये खाली वाले कट में ले जाएंगे। ऐसे ही करते हुए हमें पूरा बनाना है। अब हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो नॉट हम किस तरीके से लगाएंगे, तो ये ब्रेसलेट हमारा बनके रेडी है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।